अरे तो आती है, तो मैं अनबॉक्सिंग करने वाला अपनी टाटा एस की एस सी एन डी कार्ड को, कि इसका बैक का दिखा देते हैं। तो यहाँ पे कलेक्ट देम ऑल टी एल सी डम्पर ट्रक फिर दिन कैरियर दोनों मेरे पास है, ठीक है दोस्तों। और पहले इसका अभी टीवी में बहुत ऐड दिखाता था इसका, इस टाटा ट्रक का। और ये 70 की है, अब क्वान्टिटी प्रोडक्ट फॉर 70 तो चलिए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले से ही अनबॉक्स कर लिया था, तो ये रही एस। अभी हम लोग बॉक्स को साइड कर लेते हैं। तो ये देखो दोस्तों बहुत क्यूट है, और इसका ये ट्रंक भी खुलता है, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। और ये बहुत टाइट होता है, खोलने मुश्किल होता है। देखो अभी तो इजी हो रहा है, बट जब आता है ना ये ट्रंक तो तब ये बहुत हार्ड होता है। तो यहाँ पे दिल्ली का प्लेट इस इंटीरियर देख लो, सिल्वर कलर का है। और आप इधर भी कुछ रख सकते हो सामान, और इसमें ऐसे ऐसे कैरी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो एक गाना भी ऐसा है, एक बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला, एक गाना भी ऐसा है, इसी वही ही करके इधर इन लोगों ने लिख दिया है। और दोस्तों दोस्त की जो तो प्राइस पड़ी थी वो पड़ी थी 262, नहीं पता मुझे शॉप पर पड़ गई थी 200 में रुपीज, तो अच्छा डिस्काउंट चल गया। यहाँ पे अप्रैल 2022 की है, ठीक है दोस्तों, कुछ महीने हो गए एस के बनाए हुए। तो दोस्तों मैंने तो कलेक्शन वीडियो बनाई थी, तो उसमें ये एस तो नहीं आई थी, तो मैं कैस करूंगा कि कलेक्शन वीडियो पार्ट 2 में डाल दूंगा, क्योंकि कलेक्शन पार्ट 2 वीडियो संडे को आ रही है। तो ये देखो इंटीरियर, आजकल का सारा कास्ट में इंटीरियर आपको सिल्वर ही मिलता है, तो मैंने लेटेस्ट बुलेनो और फॉर्चुनर भी मंगाई थी, उसी में ही ये सिल्वर कलर का इंटीरियर मिलता था। तो नहीं मैं आपको इसके फीचर बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 2 लाइट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे तो नहीं किसका लोगो है, यहाँ पे दिल्ली के नंबर प्लेट एस की बैडिंग, टूल बॉक्स, यहाँ पे सीएनडी की बैडिंग, और ये खुलता भी है, बहुत हार्ड है, वेरी हार्ड। यहाँ पे आपको ओपन बोल के रखेगा स्टिकर है, और यहाँ से देख लो बहुत मैं इसकी लाइट बहुत शाइन कर रहे हैं। यहाँ पे ऑटो ऑरेंज कलर के लाइट, साइड मिरर्स बहुत डिटेल भी है। यहाँ पे टूल बॉक्स, और ये बैटरी रखे है, फुल बैक एक्शन देखते हैं। और इसका ये वाला फुल बैक एक्शन है, ये तो ब्लैक कलर का दिख रहे हो, ठीक है दोस्तों। नीचे कुछ ऐसा है, यहाँ पे लिखा एस मिनी ट्रक सेंटर, तो आया आपको भी तो आसानी से दिख रहा होगा नीचे, ये देख लो, ठीक है। और ये देख लो तो बहुत से कलर का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि व्हाइट दो इधर बना हुआ है, और एक येलो और एक ब्लू तो मेरे पास है, ठीक है दोस्तों। और इसका बॉक्स कुछ ऐसा आता है, मेड इन इंडिया, आप तो जानते होगी 70 तो इंडियन ही कंपनी है, फ्रीजन कैरियर डंपल ट्रक। और 70 तो ऐसे अपने 30 इयर्स कंप्लीट करके खरीद दिए, यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी प्रोडक्ट फ्रॉम 70 टॉयस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक कौन होती है एसीएनडी कार्गो, तो आए ये कार्गो सीएनडी सेंट्रल नेचुरल गैस का है ये ट्रक, टोटल ये इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो जैसा कि मैंने एक ये बॉम है, ये हम लोग दिवाली में खरीदे, तो इसको हम लोगों ने फोड़ा था, ये देख लो हम लोगों ने इसको फोड़ा था, हाँ तो यही चीज हम लोग इसमें रखेंगे। वैसे तो दोस्तों ऐसा तो ये 10-20 उठा सकता है, बट मैं एक को रख रहा हूँ, मैं आपको बस दिखाता हूँ डेमो इसका। ये देखो कितने अच्छे से इसको कैरी करके ले गया, देखो कितने अच्छे से ये कैरी करके ले गया इसको, ये मैं जरा सा हिला भी नहीं है, नीचे गिरा भी नहीं है, देखो मेरा पूरा जमीन खा लिया है। तो दोस्तों आज मैं टाटा एस की 5 कराने वाला हूँ, ट्रिल ब्लास्टर पिकअप ट्रक की, ये न्यू लॉन्च हुई है, इसकी गेट डोर्स भी ओपनेबल है, और सबसे खास बात ये एस जैसा टेल गेट भी ओपनेबल है, पर ये एस जैसा टाइट नहीं है इसका टेल गेट, सॉफ्ट ही है, देखो ये बंद खोल सकते हो आप। तो सबसे पहले लेंस टेस्ट कर ले, तो क्लियरली हमारी पिकअप ट्रक बहुत लंबी लग रही है एस ट्रक के मुकाबले में, देखो दोस्तों हमारी एस तो टमटमा रही है, क्योंकि ये नई आई है ये न्यू नवेली ट्रक। इसको मैंने कुछ मिनट या कुछ घंटों पहले ही परचेस की लाया था शॉप से, और आपको एक रूफ एंटीना भी मिल जाएगा। तो चलिए दोनों को टेस्ट करके देखते हैं, सबसे पहले स्पीड टेस्ट करते हैं। हमारी टाटा एस बहुत आगे निकल गई थी, ब्लास्टर आगे निकल गई, तो क्लियरली हमारी ब्लास्टर जीत गई, पहले एस आगे निकलने वाली थी, फिर ब्लास्टर निकल है आगे। तो अब वेट का टेस्ट करवाते, सबसे पहले हम लोग टाटा एस पे रखेगी ट्रिल ब्लास्टर, जैसे उठा पाता है नहीं, ओह अरे वाह फ्रेंड्स ये तो उठा लिया,
उठा ले तेरे ब्लास्टर को। दोस्तों मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मिनी ट्रक इतने बड़े से ट्रेल ब्लास्टर को उठा गया। तो हमारी मिनी ट्रक तो दिख चुकी है, ट्रेल ब्लास्टर दिखते हैं कि ये इससे अच्छा होता था बेकार। तो अब सेम टेस्ट करते हैं पिकअप ट्रक, देखते हैं ये उठा पाता है नहीं। आइयो ये तो पहले ही नहीं उठा पा रहा। दोस्तों हमारा पिकअप ट्रक इतना बड़ा है फिर भी ये नहीं उठा पा रहा, और हमारा ये मिनी ट्रक इतना छोटा सा फिर भी ये उठा लिया। तो हमारी मिनी ट्रक दिख चुकी है वेट कैरी में। अब लुक्स के मामले टेस्ट करते हैं। जब ट्रेल ब्लास्टर आते हैं तो लगता है रियल फोर्ड रेंजर पिकअप ट्रक आ रही है। ये देख लो दोस्तों इसकी लुक्स की वजह से ये बहुत रियल लगती है, मैंने तो आपको बताया ही था। तो अब सेम टेस्ट करते हैं एक मिनी ट्रक के साथ, तब ये आते हैं। तो दोस्तों ये एकदम रियल एस लगते हैं, जैसे एक रियल एस आता है वैसे ही एकदम लगता है। ये फ्रिजन कैरियर तो नहीं लगता, बट ये जो एस का वाला कैरियर आता है ना ऐसा टाइप का, वैसा ही लगता है। और दोस्तों वीडियो एंड से पहले अगर आपको दोनों का बैलेंस चाहिए था, दोनों का स्क्रीन शॉट इधर आया होगा। तो दोस्तों आप कमेंट बताना कि आपको एस मिनी ट्रक पसंद आई या ट्रेल ब्लास्टर फोर लैंडर डिस्क में आपको ओपनेबल डोर्स भी मिल जाएंगे। कमेंट बताना अभी कभी, तो लाइक से और सब्सक्राइब तब के लिए। बाय बाय दोस्तों। आइयो 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 ए।